80 वर्ष के वृद्ध ने 14 वर्ष की नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। परिजन और क्षेत्रवासियों ने थाने में दी रिपोर्ट। सख्त कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। रामगंज थाना क्षेत्र में चिश्ती मोहल्ले से मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक मंदबुद्धि बच्ची पानी भरने हैंडपंप पर गई थी। वहां पर बैठे एक 80 वर्ष के बुजुर्ग ने बच्ची को पैसों का लालच देकर अपने पास बुलाया और दुष्कर्म किया। बच्ची जब रोते हुए घर की ओर भागी तो पूरे क्षेत्र के लोग एकत्रित हो गए। बच्ची ने जब लोगों को बताया तो वृद्ध के परिजन बच्ची को ही झूठा बताने लगे। मामले को संगीन मानते हुए परिजन और क्षेत्रवासी पुलिस थाने मामला दर्ज करवाने पहुंचे। आदमी बहुत बुरी हरकत करता है, 50 रुपये दे के छोरी को अंदर बुला लेता है। छोरी पानी लेने जाता है, पानी गली में आता नहीं है, बहुत पानी की परेशानी है, इसलिए इसको अंदर बुला लेता है। बच्ची मन बुद्धि है, बच्ची थोड़ी मन बुद्धि है, इसको 3 बार ही बुला अंदर काम करा हुआ है, इसका बलात्कार कर दीजिए। आपका नाम? सतार भाई नाम मेरा। हाँ जी, आज हमारे बहुत ही दुखद घटना हुई हमारे चिश्ती नगर के अंदर। एक जो कि मन बुद्धि बच्ची है 14 साल की, उसमें करीबन कहना नहीं चाहिए कम से कम 80 साल की उम्र का डोकरा, जिसको बेशर्मी की हद उसने पार कर दी। बच्ची को मात्र पानी लेने, जो कि अभी बरसात गई इसके अंदर काल के अंदर पानी लेने गई बच्ची हैंडपम्प के ऊपर, उसको मात्र 10-20 रुपये दे के अंदर बुलाया और उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया कि हमारे को खुद को पूरी बस्ती को वो रोती रोती हमारे सबके पास के अंदर आई, हमारे मोहल्ले वालों के पास के अंदर। और जैसे ही हम उसके पास गए डोकरे के पास वापस, तो उल्टे उसी के घर वाले पूरे मोहल्ले से लड़ने लग गए और सारे उस बच्ची को झुठलाने करने लग गए। हमारे सारी बस्ती की एक ही मांग है कि उस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पुलिस प्रशासन से, रामगंज के सीआई साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि उस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ऐसे रेपिस आदमी को, जो कि समाज के अंदर बहुत ही कलंकित आदमी है। आपका नाम? पार्षद रईस अहमद।